बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा नौवीं के गणित विषय की प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न तीसरा है ना बच्चों। प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न तीसरा और इसके पहले के प्रश्न पहला और दूसरा हम कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो क्लास 9th मैथ्स में। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और हर जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलो बच्चे शुरू करते हैं। प्रश्न तीसरा जो है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में है ना प्रत्येक स्थिति में एक्स ऋण एक पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो यहाँ स्पष्ट दे रखा हमें कि जो एक्स ऋण एक है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है ना गुणनखंड है पहले से हमें बता रखा है। और ऐसी स्थिति में हमें k का मान ज्ञात करना। तो देखो बच्चों जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वहां पर एक k दे रखा है ना पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन एक्स धन k। तो यहाँ हमें k का मान ज्ञात करना है ना जबकि हमें दे रखा है कि x माइनस एक जो है x ऋण एक जो है वह इसका गुणनखंड है। तो हमें ये पता है कि x ऋण एक यदि इसका गुणनखंड है तो x की वैल्यू जब हम इस बहुपद में रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा है ना। तो ऐसी स्थिति में ये इसका गुणनखंड होगा। तो चलो बच्चों अब करते हैं इसको कॉपी में। तो यह जो सवाल है k का मान ज्ञात करना है और दे रखा हमें कि x ऋण एक पी एक्स का एक गुणनखंड हो और पहला जो क्वेश्चन दे रखा पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग धन एक्स धन के। तो यहाँ पर जब हमें दे रखा है कि एक्स ऋण एक पी एक्स का एक गुणनखंड हो तो एक्स ऋण एक दे रखा मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स बराबर कितना हो जाएगा धन एक बराबर के उधर चला जाएगा तो ऋण एक बराबर के उधर चला जाएगा तो धन का एक हो गया है ना। तो ये धन का एक हो गया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास एक है ना एक्स की वैल्यू आ गई है एक। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पी एक्स के बराबर रखेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए पी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो इसका मान आ जाना चाहिए जीरो। तो एक्स माइनस एक जो इसका गुणनखंड होगा और वो है मतलब पी एक्स बराबर जीरो है। तो पी एक्स बराबर जीरो मतलब एक्स का वर्ग धन एक्स धन के है ना पी एक्स बराबर क्या बच्चों एक्स का वर्ग धन एक्स धन के है। तो एक्स का वर्ग धन एक्स धन के बराबर है जीरो है ना जीरो है इसका मान। तो एक्स का वर्ग कितना होगा बच्चों एक्स का मान क्या है एक है तो एक्स की जगह रख देंगे एक का वर्ग धन एक धन के बराबर जीरो। तो एक का वर्ग कितना होगा एक का वर्ग होगा एक है ना एक गुणा एक मतलब एक धन के बराबर दो। तो एक और एक होके हो गए दो धन के बराबर जीरो। तो अब के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों ये धन का दो है तो इधर गया तो हो गया ऋण का दो। तो के का मान आ गया हमारे पास ऋण का दो ठीक है के का मान आ गया है ऋण का दो। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न था एक्स माइनस एक इसका गुणनखंड था तो हमने पहले एक्स की वैल्यू निकाल ली और हमें पता है कि एक्स ऋण एक यदि इसका गुणनखंड है तो एक्स का मान रखने पर पी एक्स बराबर हो जाएगा जीरो। तो हमें पता है कि एक्स जो गुणनखंड है मतलब पी एक्स का मान जीरो है तो जो बहुपद दे रखा था एक्स वर्ग धन एक्स धन के बराबर तो जीरो है क्योंकि पी एक्स बराबर है वो है ना। अब हमने यहाँ एक्स की वैल्यू रख दी एक्स का मान जो हमने एक निकाला है तो वो यहाँ रख दिया है इसको हमने सॉल्व कर लिया तो एक्स बराबर आ गया ऋण का दो। तो यह पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम इसी का जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों इसका जो दूसरा क्वेश्चन है पी एक्स बराबर दो एक्स का वर्ग धन के एक्स धन अंडर रूट दो है ना। ये जो दूसरा क्वेश्चन है दो एक्स का वर्ग धन के एक्स धन अंडर रूट दो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जो दे रखा हमें एक्स ऋण एक जो है इसका एक गुणनखंड है तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों x बराबर हो जाएगा एक है ना ऋण एक बराबर के उधर जाएगा तो धन का एक बन के अब हम ये मान यहाँ रख देंगे है ना। तो पी एक्स बराबर क्या था दो एक्स का वर्ग धन के एक्स धन अंडर रूट दो बराबर जीरो क्योंकि यह इसका गुणनखंड था x ऋण एक इसका गुणनखंड है तो मतलब इसका मान x का मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो अब हम रख देंगे तो दो एक्स के स्थान पर हम क्या रख देंगे एक का वर्ग धन के एक धन अंडर रूट दो बराबर जीरो। तो यहाँ हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे
एक का वर्ग है ना, दो तो लिख दिया हमने, एक का वर्ग मतलब एक गुणा एक, मतलब क्या हो गया, एक गुणा एक मतलब एक है ना, एक गुणा एक मतलब हो गया उसका एक, तो यहाँ हमने रख दिया एक। धन के में एक का गुणा करा तो कितना हो गया बच्चों, के में एक का गुणा करा तो कितना हो गया है एक, के है ना, के में एक का गुणा करेंगे तो के ही आएगा। धन अंडर रूट दो बराबर जीरो। अब देखो बच्चों, यहाँ दो में एक का गुणा होगा है ना, एक का वर्ग था, इसको हमने सॉल्व कर लिया था, अब दो में एक का गुणा होगा तो ये दो आया, दो एकम दो, धन के धन अंडर रूट दो बराबर जीरो। अब हमें तो के की वैल्यू निकालनी है ना, के की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, के बराबर, अब धन का अंडर रूट दो है और ये भी धन का, तो उस बराबर के उस तरफ जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे ऋण के, तो हो जाएगा ये ऋण का दो और ऋण का अंडर रूट दो है ना, दोनों ऋण के हो जाएंगे। तो हम और इसको सॉल्व और आसान कर सकते कि हम ऋण को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर है ना, ऋण को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा दो धन अंडर रूट दो, ठीक है, ऋण दोनों में था तो ऋण हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ कोष्टक में बचे हैं दो धन अंडर रूट दो, तो के का मान यहाँ पे आ गया बच्चों ऋण दो धन अंडर रूट दो, ये के का मान हमारे पास आ गया है, तो ये सवाल हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा जो बहुपद हमें दे रखा है वो है पी एक्स बराबर के एक्स का वर्ग ऋण अंडर रूट दो एक्स धन एक, तो यहाँ पे भी हमारे पास वही है एक्स ऋण एक जो है इसका गुणनखंड है ना, यह हमें दे रखा है, तो यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा एक है ना, एक्स बराबर एक है। अब हमें पता है कि यदि इसका गुणनखंड के एक्स ऋण एक है तो इस बहुपद को में यदि एक्स का मान रख देंगे तो इसका मान आ जाएगा जीरो, मतलब पी एक्स आ जाएगा जीरो, मतलब ये है कि के एक्स का वर्ग ऋण अंडर रूट दो एक्स धन एक बराबर हो जाएगा जीरो है ना, तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे के x की जगह एक का वर्ग ऋण अंडर रूट दो x की जगह एक धन एक बराबर जीरो है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, के एक का वर्ग कितना हो जाएगा एक है ना, एक का वर्ग मतलब एक गुणा एक बराबर एक, ऋण अंडर रूट दो में एक का गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा अंडर रूट दो ही है ना, एक में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, धन का एक बराबर जीरो। अब यहाँ पे हो जाएगा देखो बच्चों, के में एक का गुणा होगा तो के ही आएगा, के ऋण अंडर रूट दो धन एक बराबर जीरो। अब हमें तो के की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, के बराबर ये जो है ऋण का दो है उधर चला जाएगा तो धन का हो जाएगा, धन का अंडर रूट दो और ये धन का एक बराबर के उधर जाएगा तो ऋण का एक बन जाएगा है ना, तो ये इसका उत्तर आ गया है अंडर रूट दो ऋण एक, ठीक है बच्चों, तो ये इसका उत्तर आ गया है तीसरे का है ना, तीसरे का उत्तर आ गया अंडर रूट दो ऋण एक। अब अगला चौथा प्रश्न है बच्चों, पी एक्स बराबर के एक्स का वर्ग ऋण तीन एक्स धन के, यहाँ पे भी हम वो ही विधि करेंगे, हमें पता है कि एक्स ऋण एक जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, तो ऐसी स्थिति में एक्स बराबर एक इसकी वैल्यू रख देंगे हम इस बहुपद में, तो इस बहुपद का मान जीरो हो जाना चाहिए, तो के एक्स का वर्ग ऋण तीन एक्स धन के बराबर जीरो है ना। अब हमें तो के की वैल्यू निकालनी, पहले हम एक्स का मान रख देंगे बच्चों, के एक्स का मान आया है एक, तो के एक का वर्ग ऋण तीन एक्स के स्थान पर एक धन के बराबर जीरो है ना, तो अब ये हो गया के एक का वर्ग कितना होगा एक ही होगा है ना, एक का वर्ग मतलब एक में एक का गुणा तो एक ही होगा, और ऋण तीन में एक का गुणा करेंगे तो तीन एकम तीन ही आएंगे, और ये धन का ऋण का तो ऋण ही आएगा ना, ऋण धन ऋण होगा और तीन एकम तीन होगा, धन के बराबर जीरो। अब उसी प्रकार के में एक का गुणा होगा तो कितना आएगा के ही आएगा है ना, के ऋण तीन धन के बराबर जीरो। अब देखो बच्चों, ये भी धन का के है और ये भी धन का के है ना, तो ये एक और एक कितने हो गए दो के हो गए, दो के और ऋण तीन है ही सही बराबर जीरो है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि दो के बराबर ये ऋण का तीन बराबर के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, धन का तीन हो गया है ना, धन का तीन हो गया। उसी प्रकार अब हम के की वैल्यू निकाल लेते हैं, के बराबर तीन बट्टा
ये जो है दो इसके साथ गुणा में है तो इधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, भाग में जाएगा, तो 3/2। तो के बराबर आ जाएगा 3/2। ये के का मान आ गया है, चौथा प्रश्न भी हो चुका है।